मेरे फैमिली को, मेरे पापा मम्मी मौसी को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं HCS अंडर ट्रेनिंग हूँ और अब IAS मिला मिल जाए मैं कामना कर रही हूँ, और तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फोर्थ अटेम्प्ट था UPSC में। तो उम्मीद नहीं छोड़ी थी, एक तरह से लगे हुए थे, जो जुनून था। हाँ जी, जुनून था कि IAS बनना है, और इसके लिए मैंने मेहनत की, मुझे 3 साल लग गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तो महक जी, कौन सी आपने स्टडी कहाँ की और क्या आपका जो एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा? मैं कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ, 10th 12th यहीं से की है, निकेतन से और सेठ चंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने BTech किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, NIT कुरुक्षेत्र से। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब भी किया था प्राइवेट सेक्टर में, गुड़गांव में और नोएडा में। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के इसके लिए तैयारी की थी। तो एक तरह से जो आपको आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य था उस पर लगे हुए थे, आप क्या कहेंगे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं या UPSC देना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें ये करना है, क्यों करना है, और फिर उसके लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। गाइडेंस मिल जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन, हम लोग हैं और जो भी इसमें कामयाब होते हैं, या फेलियर से भी इंसान को सीखना चाहिए, तो लगे रहना चाहिए। और अब आजकल तो YouTube है और सारे चैनल्स पे अच्छे से गाइडेंस मिलती है, तो वो लेकर अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। तो कोई कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी? मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बिल्कुल मैंने घर से ही किया था। हाँ जी, मैं ऑनलाइन सोर्सेज का ही यूज़ करती थी, गूगल YouTube मैंने बहुत यूज़ किया। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी विजन IAS की, और बस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। इंटरव्यू में कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने गाइड किया था, बाकी खुद से ही। तो फैमिली का सपोर्ट रहा पूरा? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे फादर मदर ने कभी कुछ कहा ही नहीं मुझे कि इतने टाइम से तैयारी कर रही हो या कुछ है, पूरा सपोर्ट दिया। घर में अलग से एक कमरा था जिसमें मैं पढ़ती थी, और मुझे कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और खाना वगैरह हमेशा टाइम पे देना, और जो भी मुझे चाहिए हमेशा मुझे मिल जाता था। मेरे दोस्तों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा है। तो क्या टिप्स क्या देंगे जो इस तरह का तैयारी जो लोग कर रहे हैं, अब क्योंकि आप एक तरह से सीनियर हो चुके हैं उनसे, क्या टिप्स? मेन टिप तो यही है कि रिसर्च बहुत करें इस एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, और फिर अपनी एक खुद की एक स्ट्रैटेजी बना लें और उसको फॉलो करें। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो कोशिश कीजिए किसी से बात कर लें, किसी सीनियर से या किसी टीचर से, या कोई वीडियोज़ देख लें जो टॉपर्स अपनी यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं, उनसे गाइडेंस लें और लगे रहें जब तक।